हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सेमी पटियाला सलवार। ये कपड़ा है 2 मीटर का, ये कपड़ा है 2 मीटर और बड़ा पैने का है। इसका पैना है 42 इंच का। ये 2 मीटर कपड़ा को डबल में फोल्ड कर लेंगे, ऐसी डबल में फोल्ड कर लेंगे पूरा कपड़ा को। फोल्ड करने के बाद फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड में है, ये दोनों पैर है, ये एक पैर है और ये दूसरा पैर है। पहले कपड़ा को सीधा काट लेंगे। यहाँ स्टिचिंग के लिए 1/2 इंची रख दिया। इसका बाद यहाँ से सिलाई छोड़ के 7 इंचेस बाद दे देगा, यानी कि इसका लेंथ आएगा 37। यह है 37। के बाद इसको मोरी आएगा 15 इंचेस, 15 इंचेस डबल में 7.5, 15 इंचेस। और फॉग आएगा, यहाँ सिलाई 1/2 इंची छोड़ के 7 इंचेस के बाद फॉग आएगा 14.5 इंच। ये फॉग आएगा, और फॉग से मोरी तक निशान लगाएंगे। ये सेमी पटियाला का निशान है। आप कटिंग करेंगे, यहाँ मोड़ने के लिए कपड़ा छोड़ दिया। यहाँ नीचे ने पैटिस होगा, यहाँ मोड़ जाएगा और इधर से स्टिचिंग हो जाएगा। यह है सेमी पटियाला, काट लिया। इसका बाद ये ऊपर को जो 7 इंचेस बाद दिया वो काटेंगे। तो सेमी पटियाला का ऊपर का हिप काटेंगे हम।
ये कपड़ा टू फोल्ड का है, ये टू फोल्ड का है, और इधर से हिप ले लेंगे। मैंने कपड़ा को स्ट्रेट काट लिया, उसके बाद मोड़ाई के लिए 2 इंची रख दिया। फिर इधर में ले लेंगे 7 इंचीस, इधर में 7 इंचीस और 7 इंचीस, और स्टिचिंग के लिए 1 इंची कपड़ा छोड़ दिया नीचे में। यहाँ तक हिप जॉइंट होगा, यहाँ तक डोरी होगा। ये हो गया हिप, हिप होगा 50 इंची हिप होगा, इसका 50 इंची हिप होगा, इतना तक आएगा, इतना तक आएगा 10 इंच। ये 50 इंची हिप होगा, इसका बाद इसका कोली काटेंगे। ये 2 फोल्ड का कपड़ा है, इसको ऐसे घुमा के बैब से, ये दोनों पीस है, ये फॉग में बैठेगा। अब सलवार कटिंग हो गया, इसके बाद स्टिचिंग होगा।